Good evening, guys. Good evening, sir. How are you? I am fine. Okay. As I taught you about the use of need. नीड की जरूरत करना मैंने सिखाया था आपको, जरूरत वाला सेंटेंस यानी कि नीड से बनाना सिखाया था। नीड का मतलब होता है जरूरत। ओके तो जब भी हमें किसी चीज की रिक्वायर होती है यानी जरूरत होती है तो हम उसमें नीड लगाकर उसका इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड को हम दो दो तरीके से बनाते हैं। जैसे मुझे पेन नहीं चाहिए या मुझे पेन की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट पेन या आई डोंट नीड पेन। मैंने आपको बताया था कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ डू का इस्तेमाल होता है। ओके यानी कि आई और यू को छोड़ के जितने भी सेंटेंस में अगर हम एक की बात करेंगे तो उनके साथ डज का इस्तेमाल होगा। ओके बाकी सारे बहुवचन के साथ डू का इस्तेमाल होगा। तो हम चलिए हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तुम्हें पेन की जरूरत है? यू नीड ए पेन। तुम्हें पेन की जरूरत नहीं है? यू डोंट नीड ए पेन। क्या तुम्हें पेन की जरूरत है? डू यू नीड ए पेन। क्या तुम्हें पेन की जरूरत नहीं है? डोंट यू नीड ए पेन। तुम्हें पेन की जरूरत क्यों है? व्हाई डू यू नीड अ पेन। तुम्हें पेन की जरूरत कब है? व्हेन डू यू नीड अ पेन। तुम्हें किस पेन की जरूरत है? व्हिच पेन डू यू नीड। तुम्हें कितने पेन की जरूरत है? हाउ मेनी पेन्स डू यू नीड। तुम्हें पेन की जरूरत किस लिए है? फॉर व्हाट नीड यू नीड अ पेन। डू डज से बनाओ। फॉर व्हाट डू यू नीड अ पेन। यस।